go us open up. पिछले क्लास हम लोग जो सीखा था स्टमक ब्लॉक वो वापस और एक बार 10 काउंट करेंगे. ओके लेग आउटसाइड एंड सी हियर स्टार्ट 1 फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके लेग जॉइन बो us open up. अभी यही कैसे करते मतलब इसका यूज कैसे होता है स्टमक ब्लॉक. ओके अब वो सीखेंगे. सबसे पहले आपको अब ध्यान दो हमने जो स्टमक ब्लॉक किया था वो कैसे यूज होता है. अगर कोई आपको अटैक करता है सामने स्टमक पे तो उसको कैसे डिफेंस करना है. ओके अभी जो किया था वही करना करो. वन ये बाहर निकालना है आपको. अगर कोई आपको अटैक करता है स्टमक ब्लॉक स्टमक में तो आपको ये हाथ यहां से लेके ये बाहर निकालना है उसका अटैक. टू थ्री फोर फाइव. ओके समझ में आया ये स्टमक ब्लॉक है. ओके गो अस ओपन अप. जैसे हमने फर्स्ट कथा में क्या किया था ग्राइंड ब्लॉक पंच सेकंड कथा में फेस ब्लॉक पंच वैसे हम थर्ड कथा करेंगे. ओके थर्ड कथा का नाम है टाइक्योकु सांदन. ओके गो अस ओपन अप थर्ड कथा टाइक्योकु सांदन. ओके थर्ड कथा का सबसे पहले बेसिक सीखेंगे. ओके थर्ड कथा में यूज होता है अभी जो किया था आपने वही स्टमक ब्लॉक यूज होता है. ओके सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में मूवमेंट करनी है स्टमक ब्लॉक डिफेंस और उसके बाद आगे जाके पंच मतलब अटैक. फिर से राइट साइड में स्टमक ब्लॉक एंड पंच ओपन अप. ये चार मूवमेंट सबसे बेसिक है थर्ड कथा के. ओके आपको फिर से ध्यान दो हाथ सामने रखना है लेफ्ट साइड में सबसे पहले मूवमेंट लेफ्ट साइड में स्टार्ट करना है स्टमक ब्लॉक पंच स्टमक ब्लॉक पंच उसके बाद ग्रोइन ब्लॉक पंच पंच पंच. ओके समझ में इतने 8 मूवमेंट आने चाहिए आपको. वापस ध्यान दो और एक बार मैं से कर रहा हूं स्ट्रेट कथा टाइक्योकु सांदन ठीक से नाम सुन लो टाइक्योकु सांदन स्टार्ट स्टमक ब्लॉक. ओके लेफ्ट साइड में पंच फिर से स्टमक ब्लॉक पंच देन उसके बाद ग्रोइन ब्लॉक पंच पंच साउंड योय बो उस ओपन अप. लास्ट टाइम स्टमक ब्लॉक पंच स्टमक ब्लॉक पंच ग्रोइन ब्लॉक पंच पंच यो है. ओके हर एक कथा में ताकत और पावर लगवाना है. ओके ज्यादा जितना ताकत लगेंगे उतना स्ट्रांग बन जाएंगे. ओके